अगर आप बदतमीजी करेंगे किसी के घर की। धमकियां इस बात का सबूत होती हैं कि दलाइल खत्म हो गए। जहां दलाइल खत्म हो जाए तो वहां माइट इज राइट होता है। हुकूमती तर्जमान इल्जाम का जवाब देने की बजाय जिस तरह धमकियां दे रहे हैं, इससे लगता यूं है कि इकतदार का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। इसमें कसूर किसी का नहीं है, इनका भी नहीं है। इकतदार और इख्तियार चीज ही ऐसी है जो इंसान से उसकी असल औकात छीन लेती है। हुकूमत अपने तर्जमान इसलिए मुकर्रर करती है कि वो पब्लिक फोरम पर हुकूमत की तर्जमानी करें और हुकूमत के हवाले से उठने वाले सवालात और इल्जामात का जवाब दे सकें। इसलिए तर्जमान रखे जाते हैं। पंजाब में 40 तर्जमान हैं तो वो इसीलिए रखे गए हैं कि हुकूमती इकदामात का दिफा कर सके दलाइल के साथ। तर्जमानों का काम किसी के साथ पर्सनल होना हरगिज नहीं है। और अगर आप पर्सनल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह कि आप अपनी जॉब ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की हमशीरा के हवाले से अगर सवालात उठ रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप दरगुजर कर दें। लेकिन जिस तरह का लबो लेजा अब सुनने को मिल रहा है यह मुनासिब नहीं है। इसी तरह के रवैये से एक जमहूरी जमात और एक पॉपुलर जमात तहरीक-ए-इंसाफ उस पर फाशिस्ट होने का इल्जाम भी लग रहा है।